कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीपी जोशी के विवादित बयान पर खेद प्रकट किया है। राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती की जाति और धर्म पर सवाल उठाते हुए दोनों पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि सीपी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान न दे जिससे समाज के किसी वर्ग को दुख पहुँचे। कांग्रेस के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करते हुए जोशी जी को जरूर गलती का एहसास होगा। उन्हें अपने इस बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने पिछले दिनों जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था, तो वहीं गुरुवार को नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के सेमा गांव में प्रचार के दौरान कहा कि हिंदू धर्म की बात ब्राह्मण जानते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री मोदी, साध्वी रितंबरा और उमा भारती की जाति के बारे में पूछ लिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने कहा कि इस देश में धर्म के बारे में जानते हैं तो पंडित जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि साध्वी रितंबरा, उमा भारती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं। अब यह ब्राह्मणों का काम नहीं। गौरतलब है कि सीपी जोशी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें भाजपा में हलचल मच गई थी। उन्होंने कहा था कि देश में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस का प्रधानमंत्री ही कराएगा। सीपी जोशी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेता का बयान चौंकाने वाला है। सीपी जोशी को धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सीपी जोशी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।